गाइस कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी महाशिवरात्रि। तो हमारे घर में भी पूजा हो रहा है, तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ सब कुछ की क्या क्या हो रहा है, उसके बाद फाइनल में आपसे बात करती हूँ। आज है भोलेनाथ का दिन यानी महाशिवरात्रि। आज के दिन तो आप सभी को मालूम ही होगा कि पार्वती जी और शंकर भगवान जी की शादी भी हुई थी, तो उसी खुशी में चलिए आज हम लोग थोड़ा सा लंगर ही कर लेते हैं, यानी हमारे यहाँ भोग बनता है। पूजा वगैरह तो हम लोग सब सुबह कर लिए थे, देन शाम को भी पूजा होने वाला था, पंडित जी आके करवाने वाले थे, तो उसके लिए भोग की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे हो रहा है सब्जी कट, देखिए यहाँ पे भाभी और मम्मी मिलके सब्जी कट कर रहे हैं। वैसे तो मुझे भी करना था बट मैं थोड़ा सा बिजी थी अंदर, क्योंकि मुझे बनाना था खीर। तो मम्मी बोली कि चलो हम लोग सब्जी कट कर लेते हैं, तुम जाओ खीर बनाने, तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो अभी मुझे बनाना है खीर, बाहर तो प्रसाद वगैरह वो बन रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ खीर अभी। तो बार बार लाइट आ रहा है और जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक क्या दिखा पाऊँगी, तो चलिए फिर फटाफट से खीर बनाते हैं। तो आज मैं खीर बनाने वाली हूँ ये विष्णु भोग चावल से, और सच में इससे खीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। तो इसको मैं घी से मैरिनेट करके रख लूँगी पहले से ही। इससे कई लोग तो फ्राई भी करते हैं, रोस्ट करते हैं मतलब, बट मैं नहीं करूँगी, मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। और ये विष्णु भोग चावल है और इससे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है, कभी नहीं बनाया है इस चावल से ये खीर बहुत अच्छी बनती है। तो 2 लीटर दूध ले लिया है मैंने, और इसमें मैंने लिया है 5 मुट्ठी चावल विष्णु भोग का। तो गैस पे मैंने दूध चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तेज पत्ता और हरी इलायची यानी छोटी इलायची कूट के मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और इसकी जो सेंट आती है ना, खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैं जो मैरिनेट करके रखी हूँ चावल, जब ये दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तो मैरिनेट किया हुआ घी से मैरिनेट किया हुआ मैंने देसी घी, शुद्ध देसी घी जो हमारे घर का घी है, वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं ये घी वाला मैरिनेट किया हुआ चावल उसमें ऐड कर दूँगी। कई लोग ना उसको हल्का सा रोस्ट भी कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, बट मैं नहीं करी हूँ। और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये मिल्क मेड, ये इससे ना खीर का जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो 2 चम्मच मैंने ये ऐड किया हुआ है मिल्क मेड। तो बस बहुत ही इजी सा ये खीर बनने वाला है, बस इसको चलाते रहना है ध्यान से, जब आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक्चुअली लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा था, इसलिए मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाई। उसके बाद आप शुगर, मिल्क मेड ये सब ऐड करके अच्छे से बॉयल होने दे, जब तक खीर गाढ़ी होती है तब तक के लिए इसे छोड़ दे, लास्ट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना। बना लिया है और बाहर बन रही है सब्जी यानी मिक्स वेज। और देखिए छोटू भैया हमारे यहाँ पे धनिया पत्ती कट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मम्मी टमाटो कट कर रही है चटनी के लिए। ये चटनी एक्चुअली अंदर बनेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा वाला चूल्हा है ना, तो यहाँ पे अभी भोग यानी खिचड़ी बनने वाला है, सब्जी बनेगा उसके बाद फिर खिचड़ी बनेगा। तो मैं टोमेटो का जो चटनी है वो मैं अंदर बनाऊंगी, और यहाँ दादी और पापा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना, कुछ भी घर में फंक्शन और सब कोई मिलके साथ में काम करे तो खुद को भी अच्छा लगता है उस चीज़ को करने में। साथ ही साथ हमारे भगवान जी का मतलब हमारे भोलेनाथ का दिन है आज, तो सब कोई पूरे मन से सारा कुछ कर रहे थे, सब कोई को बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मुझे ना ये सब देख के ना अपना बचपना का याद आता है, कि मतलब हमारे यहाँ अभी भी काली पूजा होता है, आपने तो पिछला वाला ब्लॉग देखा ही है, तो उसमें भी हम लोग सब साथ मिल के ऐसे ही काम करते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं। कुछ हो गया है, मिस भोग भी बन गया, चटनी भी बन गई, खीर भी बन गया, और खीर और चटनी मैंने बनाई है, और भोग यानी जो खिचड़ी है और सब्जी है वो मम्मी और बुआ मिलके बनाए हैं, और अभी मेरी मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं, और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो और भगवान जी का हार भी बन गया। तो चलिए मैं हार दिखाती हूँ, जो उनका फेवरेट फूल होता है उसी फूल का हार बना है, और बाकी गेंदे का फूल और बाकी सब तो लेके आए थे। उसके बाद तो फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं बिजी हो जाएंगे, फिर मैं चलिए दिखाती हूँ। Thank you.
देखिए यहाँ पे बन रहा है भगवान जी का हार यानी माला बना रहे हैं। और हमारे घर के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो मेरे हस्बैंड ही हैं। पूरे मतलब क्या ही बताएं, वो सोमवार मंगलवार गुरुवार सारा कुछ ये करते हैं। तो बोले माला भी मैं ही बनाऊंगा, फूल भी सुबह सुबह उठ के यही तोड़ के लेके आए थे बहुत सुबह उठ के। तो ये देखिए माला यहाँ पे बन गया है दोनों, और ये भगवान जी का फेवरेट फूल है। और ये सब फूल तो हम लोग खरीद के लेके आए थे। तो ये है माला, एक उसका सेवंती फूल और गेंदे का। और ये देखिए ये जो डमरू है ना, ये पिछले साल भगवान जी के वहाँ पे त्रिशूल में लगाया गया था, तो बाबू लोग इसको उठा के ले आए थे। तो इस साल हस्बैंड फिर से एक डमरू लेके आए हैं। अब भगवान जी के भोलेनाथ के पास डमरू ना हो तो क्या होगा। बात बहुत हो गया, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी पंडित जी आ गए थे, तो मैं यहाँ भगवान जी के लिए प्रसाद कट करके रख रही थी। तो फल वाला प्रसाद तो देना ही पड़ता है, पेड़ा भी था बहुत सारे, पापा लेके आए थे सात टाइप का पेड़ा लेके आए थे। फल भी बहुत सारा हो गया था, मतलब पहले सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे बोलते ना भगवान जहाँ चाह वहाँ रहा, तो भगवान जी ने सब कुछ जुगाड़ कर दिया उस दिन। बहुत महंगा भी था उस दिन फ्रूट्स वगैरह, और फूल भी अच्छे से मिल नहीं रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया है। तो यहाँ पे बेलपत्र तोड़ रहे हैं पापा और बुआ, इसमें लिखना था ओम नमः शिवाय। सारे 108 बेलपत्र तो हमको नहीं मिल पाया, लेकिन काफ़ी सारा मतलब 21 या 28 ऐसा हो गया था, तो उसी से काम चला लिए। तो सारे पत्तों में ओम नमः शिवाय लिख लिए थे, तो भगवान जी का उसी से ही जो है वो पूजा हुआ। सारे लोग पूजा कर रहे हैं और ये यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम अकेले? पे चल रहा है भगवान जी का स्नान, भगवान जी का स्नान करा रहे हैं दूध दही और ये सब चीज़ों से। तो एक्चुअली मुझे भी करना था, लेकिन मंदिर हो गया है छोटा थोड़ा और हम हो गए हैं थोड़े बड़े। तो एक इच्छा है मंदिर बढ़ाने का, मेरा एक मन्नत रहा बहुत पहले, तो वो पूरा तो हो गया है, लेकिन मंदिर का काम है जो है वो अधूरा रह गया है। वो कहते हैं जब तक भगवान जी की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जब मेरे हस्बैंड इधर साइड आ जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक इच्छा है कि मंदिर को मैं बड़ा करूँगी। ये पहले से ही था मेरा, तो एक्चुअली कोई रहते नहीं है साथ में ना इधर, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बनवाने में। तो जब इधर आ जाएंगे तो ये मंदिर को मुझे करना है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि सच में बहुत प्रॉब्लम होता है, और सीढ़ी भी थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो दादी को थोड़ा सा दिक्कत होता है। खैर जो भी हो, मंदिर को कराना है बड़ा, टाइल्स वगैरह सब लगाना है उसमें। तो देखते हैं भगवान जी की जब इच्छा होगी तभी होगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं, जब भगवान जी की मर्ज़ी होगी तब सब अच्छे से हो जाएगा, ऐसे ही मैं सोचती हूँ। तो चलिए फिर हवन कर लेते हैं, यहाँ चल रही है हवन की तैयारी। तो पूरे श्रद्धा भाव से सबको ही हम लोगों ने हवन किया यहाँ पे, और हवन करने से तो मन को एकदम से शांति मिलती है बहुत। तो चलिए हम लोग हवन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप भी कर लीजिए।
जी को भी भोग चढ़ गया और हम सब लोग मिल के बहुत अच्छे से आरती की, एकदम बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा भी सब कोई आए थे, बड़ी मम्मी मेरी आई थी, सब कोई थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी भोलेनाथ के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।